हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ड्रीम इलेवन में क्रिकेट की टीम देने जा रहा हूँ, जो है एक मेरा स्मॉल लीग का टीम है, जो न्यूजीलैंड बनाम इंडिया के बीच खेला जाएगा कल सुबह न्यूजीलैंड में। तो मैंने टीम एडिट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, टीम मेरा देख लेते हैं। इंडिया काफ़ी अच्छा फॉर्म से गुजरा है और न्यूजीलैंड भी अच्छा फॉर्म से चल रहा है, तो दोनों मैच ही कल अच्छा होने के लिए उम्मीद है, दोनों टीम ही कल अच्छा खेले। विकेट कीपर ऑप्शन में मैं फ्रेंड्स MS धोनी को मेरे टीम में पिक किया हूँ। आप सभी जानते हैं MS धोनी ने काफ़ी अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पूरा सीरीज अच्छा रहा उनका, वनडे सीरीज, तो उन्होंने मेरे टीम में मेरे पहला अच्छा पिक रहा है। तो आप चाहते हैं तो टॉम लैथम के साथ भी जा सकते हो, टॉम लैथम 3 डाउन खेलता है, तो टॉम लैथम के साथ भी जा सकते हो। टॉम लैथम भी अच्छा फॉर्म से चल रहा है, लेकिन MS धोनी को मेरा मानना है, मैं MS धोनी के साथ गया हूँ, जो अच्छा फॉर्म में चल रहा है, काफ़ी सीनियर बैट्समैन है और सीनियर फिनिशर है, तो विकेट कीपिंग भी अच्छा कर लेता है, तो MS धोनी को मेरे टीम में पिक किया हूँ। बैटिंग ऑप्शन में मैं विराट कोहली को मेरे टीम में पिक किया हूँ। सब जानते हो विराट कोहली अच्छा फॉर्म में चल रहा है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है, ICC के सब स्टैंडर्ड में नंबर 1 है, तो विराट कोहली को मेरे टीम में पिक किया हूँ। रोहित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छा चल गया था, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, बैटिंग में काफ़ी रन पा रहा है, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। फिर आता हूँ केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा कैप्टन है और काफ़ी अच्छा खेल रहा है, और होम ग्राउंड में खेला होगा तो न्यूजीलैंड का, तो विलियमसन का अच्छा बेहतर खेलने का उम्मीद है उन पे, तो विलियमसन को मेरे टीम में पिक किया हो। फिर आता हूँ रॉस टेलर, रॉस टेलर काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है उनका, पिछले जो जो श्रीलंका का सीज़न चल रहा था सब मैच में 100 स्कोर किया था, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, तो और भी बेहतर खेलने का उम्मीद है कल, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हो। फिर आता हो कॉलिन मुनरो, जो एक ऑलराउंडर है फ्रेंड, बैटिंग भी कर लेता है और 10 ओवर बॉल भी कर सकता है, तो विकेट भी ले सकता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी रहता है, बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छा कर लेता है, तो एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन है फ्रेंड। तो इंडिया का और भी खिलाड़ी अच्छा है, शिखर धवन के साथ भी जा सकते हो, मार्टिन गोप्टिल जो ओपनर है मुनरो के साथ खेलेगा उनको भी ले सकते हो, हैंड्री निकोलस कल का मैच खेलेगा, अंबाती रायडू थोड़ा डाउट है फ्रेंड, पिछले मैच में केदार जाधव ने अच्छा खेला था और अंबाती रायडू के पोजीशन पे धोनी अच्छा खेल रहा है, तो कल का पोजीशन अंबाती रायडू का डाउट है। दिनेश कार्तिक कल का मैच खेलेगा, उसको भी ले सकते हो। ऑलराउंडर कल का मैच रविंद्र जडेजा खेलेगा, थोड़ा डाउट है सेंटेनर खेलेगा या डागवेल्स खेलेगा बॉलिंग ऑप्शन में, सेंटेनर खेल सकते हैं या डागवेल्स भी खेल सकते हैं, तो और थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। केदार जाधव कल का मैच खेलेगा, केदार जाधव एक अच्छा खिलाड़ी है, बॉल भी कर लेता है, पार्ट टाइम बॉलर है, विकेट भी ले सकते हैं, और केदार जाधव पिछले जो मैच हुआ था उसमें 50 भी लगाया था, काफ़ी अच्छा खेला था, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। विजय शंकर और खालिद अहमद दोनों का एक ऑड है, कोई भी एक खेल सकता है, विजय शंकर या खालिद अहमद, कॉलिन डी ग्रैंडहोम कल का मैच खेलेगा, उनको भी ले सकते हो। बॉलिंग ऑप्शन पे कुलदीप यादव कल का मैच डाउट है, नहीं खेल पाएगा, पिछले जो विनिंग टीम है उसके साथ ही उतरेगा, मेरा मानना है विराट कोहली। ट्रेंट बोल्ट जो एक अच्छा गेंदबाज है, एक फास्ट बॉलर है, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, काफ़ी विकेट छटकाए थे श्रीलंका के सीरीज में, काफ़ी भरोसेमंद खिलाड़ी है न्यूजीलैंड का, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। फिर जोगेंद्र चहल एक अच्छा बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है, पिछले मैच में 6 विकेट झटकाए थे ऑस्ट्रेलिया का, पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम को
पूरा आउट कर दिया था सबको, 6 विकेट लेके पूरा गेम ही पलट दिया था। तो जुबिंदर चहल को मेरी टीम में पिक किया हो, कल का मैच जो खेलेगा, भुवनेश्वर कुमार को मेरी टीम में पिक किया हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छा सीजन चल रहा है उनका। पिछले जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी काफ़ी विकेट मिला था उनको, और बैटिंग भी थोड़ा कर लेता है, तो एक अच्छा पिक हो सकता है जो भुवनेश्वर कुमार। फिर आता हूँ इश्क सोधी, इश्क सोधी कल का मैच खेलेगा, काफ़ी अच्छा बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है, विकेट ले सकते हैं, तो एक अच्छा खिलाड़ी है। डॉग ब्रैसवेल और फिर कल का मैच मैट हेनरी नहीं खेलेगा, डॉग ब्रैसवेल और सेंटर के बीच थोड़ा और है, कोई एक खेल पाएगा। टीम साउथ कल का मैच खेलेगा, लॉकी फर्गसन कल का मैच खेलेगा, मोहम्मद सामी भी कल का मैच खेलेगा, तो आप ले सकते हो, उनके साथ जा सकते हो। तो देख लेते हैं मेरे टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टन मैंने विराट कोहली को और केन विलियम्स को मैंने वाइस कैप्टन रखा है, काफ़ी सेफ ऑप्शन पे गया हूँ मैं, दोनों ही अच्छा खिलाड़ी है, दोनों ही अच्छा कैप्टन है, दोनों ही 100 जड़ सकता है, काफ़ी अच्छा खेल सकता है। तो फ्रेंड्स रोहित शर्मा को भी कैप्टन बना सकते हो, चाहे आप धवन के लो, रोहित शर्मा धवन जूटी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, या रॉस टेलर को वाइस कैप्टन बना सकते हो, आपका चॉइस है फ्रेंड। लेकिन मैं विराट कोहली को कैप्टन और केन विलियम्सन को वाइस कैप्टन बनाए हैं। तो देख लेते हैं मेरा आज का टीम का प्रीव्यू, ये मेरा खुद का ही टीम है, मैं इस टीम से कल खेल रहा हूँ, स्मॉल लीग खेल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अनकर के लिए। फ्रेंड्स आप मेरे टीम से जाओ, मैं गारंटी देता हूँ इस टीम अच्छा करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लीग खेलो फ्रेंड मेरे टीम से, और ख़ुद का भी टीम बना सकते हो, मैं जो डेटा दिया हूँ उसके साथ भी जा सकते हो, खुद का टीम बना के Dream11 में खेल सकते हो। लेकिन प्लस सूरा लेकिन फ्रेंड्स सेफ टीम से जाओ और स्मॉल लीग ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, तभी सफल होगे। तो आज के लिए यह पड़ी फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड। मैं आज का सारी फुटबॉल का मैच दे दिया हूँ फ्रेंड, और कल जो इंडिया ए बनाम इंग्लैंड ए के बीच जो मैच होगा उसका यूट्यूब चैनल में डाल दिया हूँ फ्रेंड, देख लेना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए मैच के लिए कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं Dream11 में मेरे यूट्यूब चैनल में क्रिकेट और फुटबॉल का स्मॉल लीग का टीम डेली डाल देता हूँ कब। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बाय बाय फ्रेंड्स, और कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट।